हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। दोस्तों, आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और जो ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि पंजाब के, उत्तराखंड के, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए इन्हें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ए मुकुल रोहतगी, बी के वेणुगोपाल, सी चेतन शर्मा, डी सूर्य कुमार रेड्डी। इसका सही जवाब है ए मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल बनने वाले हैं और ये पहले भी भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। 2014 से लेकर 2017 के बीच में ये अटॉर्नी जनरल थे। हाल ही में के वेणुगोपाल, जो कि इस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और अब नए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बनेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अलर्ट लिस्ट ऑफ 34 इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नीति आयोग, सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और डी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने ये अलर्ट लिस्ट जो है जारी की है? इसका सही जवाब है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 34 एंटिटीज दैट आर नीदर ऑथराइज टू डील इन फॉरेक्स अंडर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 नॉर ऑथराइज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। थर्ड क्वेश्चन इज, रिसेंटली के एन सिंह पासिस अवे, ही वॉज, हाल ही में के एन सिंह जी का निधन हुआ, वो कौन थे? ए फॉर्मर सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, बी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है सी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। के एन सिंह भारत के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ PMLA Appellate Tribunal? A Justice Ranjan Gogoi, B Justice Indu Malhotra, C Justice N.V. Ramana, D Justice Munishwar Nath Bhandari. इसका सही जवाब है D Justice Munishwar Nath Bhandari. हाल ही में Justice Munishwar Nath Bhandari जी को चेयरमैन घोषित किया गया है Appellate Tribunal का। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उसका चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से कौन सा राज्य है जो पहली बार रणजी ट्रॉफी के मैचेस होस्ट करेगा? ए गोवा, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है डी सिक्किम। हाल ही में BCCI ने जो है ये फैसला लिया है कि सिक्किम में भी रणजी ट्रॉफी के मैचेस कराए जाएंगे और ऐसा पहली बार होने लगा है कि सिक्किम में रणजी ट्रॉफी के मैचेस कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने ये नागा मिर्चा फेस्टिवल पहली बार जो है सेलिब्रेट किया है, मनाया है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मेघालय। देखिए, ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, नागा मिर्चा, यानी ये नागालैंड से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है और इसलिए इसका सही जवाब होगा बी नागालैंड। नागालैंड हैज सेलिब्रेटेड फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल एट कोहिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज गोइंग टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में कौन सी कंपनी बनाएगी? ए अडानी ग्रुप, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा ग्रुप, डी JSW स्टील। इसका सही जवाब है बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो ये घोषणा की है कि हम दुनिया का जो है सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में बनाएंगे और जो ये प्लांट है ये 2025 तक जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली वॉन
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? ए लुइस हैमिल्टन, बी डैनियल रिकार्डो, सी चार्ल्स लेक्लर्क, डी मैक्स वर्स्टैपन। इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड यूएस स्टार्टअप सेटू सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को? ए नितिन गडकरी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी पीयूष गोयल और डी नारायण राणे। इसका सही जवाब है सी पीयूष गोयल। मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड द यूएस स्टार्टअप सेटू सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन द बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है। और ऑप्शन देखिए ये हैं आपके कि भारत का रैंक इनमें से क्या हो सकता है, ए 129, बी 132, सी 111 या डी 87। इसका सही जवाब है बी 132। पिछले साल जो भारत की रैंक थी वो 131 थी, लेकिन अब जो है हम 132 पे आ गए हैं जो कि चिंता का विषय है। तो गाइस इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अब हम कल दोबारा कुछ और MCQs को डिस्कस करेंगे।